हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। अरे यार ये बिग बॉस नहीं चल रहा है, मेरा ब्लॉग चल रहा है, कट करो। हाय माय नेम इज हर्षित शाह। अरे मेकअप रह गया, मेकअप दादा मेकअप करो मेरा, कट करो पहले। सो आ रहा हूँ मैं। सो हे गाइस, दिस इज हर्षित शाह एंड वेलकम टू माय चैनल लिव विद हर्षित। और हम लोग, मेरा बैकग्राउंड देखे आप लोग पता चल गया होगा कि मैं कहाँ पर आया हूँ, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। मैं हूँ गेटवे ऑफ इंडिया पे, जो आप लोगों की पसंदीदा जगह है, मुंबई वालों की खास, और जो भी टूरिस्ट आते हैं उनके भी बहुत पसंदीदा जगह है ये। हम लोग अभी जाने वाले फेरी पे, तो आप लोग हमारे साथ आइए कि क्या क्या हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। आप लोगों ने ज़रूर ये किया होगा, फिर भी एक बार मेरे साथ देख के आप लोग एंजॉय करें। सो गाइज, मेरे पीछे आप लोग जो बोर्ड देख रहे हैं, मुंबई लिखा हुआ, जहाँ पे लोग स्पेशली इधर आते हैं तो सेल्फी क्लिक करवाने जाते हैं। हमने अभी तक एक भी फोटो क्लिक नहीं करवाया, सो मैं अभी उधर जाऊँगा। तब तक आप मेरा व्यू देखिए जो मैंने अभी क्लिक किया है मेरे फ़ोन से, और काफ़ी अच्छा व्यू है। अभी सनसेट का टाइम है और मुंबई के पास जाके, मुंबई के बोर्ड के पास मैं भी एक फ़ोटो क्लिक करवाना चाहता हूँ, ताकि मैं भी बोल सकूँ आई एम अ मुंबई कार। कैमरा वाले दादा मुझे अपना कैमरा पकड़ा कर चले गए मुंबई के पास फोटो क्लिक करवाने, और मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ दिया है बैग संभालने के लिए। लेकिन मैं भी जाना चाहता हूँ और मैं भी आ रहा हूँ। सो फाइनली कैमरामैन दादा ने मेरे अच्छे पिक्चर्स ले लिए वो बोर्ड के पास काफ़ी मुशक्कत के बाद। और अभी हम जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया के नाइट व्यू की तरफ, जो काफ़ी अच्छा होने वाला है। ताज होटल और उसकी लाइटिंग्स और गेटवे ऑफ इंडिया की लाइटिंग्स काफ़ी शानदार होने वाली है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। व्यू मेरे साथ बने रहिए ऑन माय चैनल। सो कैमरामैन दादा हो गए आपके फ़ोटोज़, तो चले हम यहाँ से अभी। यार इतने पिक्चर्स क्लिक कराओगे तुम। सो गाइस, अभी गेटवे ऑफ इंडिया की टिपिकल फेरी में मैं बैठ चुका हूँ, और आई गेस चौथी पांचवी बार बैठ रहा हूँ मैं, लेकिन एक्सपीरियंस हर बार सेम होता है मेरे साथ, और बहुत मज़ा आती है इसमें। एंड यू कैन सी दिस व्यू। हाथ में जो खाने की चीज़ पकड़ो वो ले जाते हैं, मुझे डर है कि मेरा मोबाइल भी लेके ना जाए। हाँ, मेरे बालों के रिश्ते से आप लोग देख सकते हो कैसी हवा चल रही है यहाँ पे। फाइनली डेस्टिनेशन इज गोइंग टू अराइव, और हम लोगों ने इतने मज़े किए हैं, अब मेरे बालों से आप लोग देख ही सकते हो कि मैंने कैसा हाल हो गया है अभी। और हम लोग पहुँच गए हैं वापस गेटवे ऑफ इंडिया पे। गाइज, जैसे कि आपने मेरी फेरी वाली राइड देखी, जो काफ़ी आसानी से हमें मिल गई, क्योंकि हम लोग आए वीकडेज पे, अगर वीकेंड पे आते तो हमें लंबी लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता, और अच्छा व्यू भी नहीं मिलता, इतनी गर्दी होती है, इतने लोग शूट कर रहे होते, इतने लोग पड़ा पड़ी कर रहे होते, तो हमको प्रॉपर टाइम नहीं मिलता। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस इज़ अ वीकडेज, सो हमको आसानी से उन लोगों ने सामने से बुलाया कि आओ हमारी सवारी में बैठो, सो हम लोग ने आराम से फेरी ले लिया है। सो गाइज, अभी गेटवे ऑफ इंडिया को अलविदा कहने का टाइम आ गया है, लेकिन मेरा व्लॉग यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। अभी बाहर की बहुत सारी चीज़ें जो मैं अभी एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, मेरे आगे के वीडियोस अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे तो जाइए और देखिए, और मुझे बताइए कैसे लगे आपको, और मुझे कमेंट कीजिए, मुझे रिव्यू दीजिए, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकूँ, व्लॉग्स बना सकूँ, और बहुत सारी जगह ऐसी है जो मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। सो मेरे कैमरामैन ने ये खाना मंगवाया है मेरे लिए, अभी टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा रहता है मेरा खाना आज का, और मैं आपको बताता हूँ बाद में। सो ये है मेरी खाऊ गली, जो एग्जिट CST रेलवे स्टेशन के सामने ही है, तो आप लोग आओ तो ट्राई करना कभी भी। Thank you.
लोग ये मेरे साथ रहने के, है ना।